मैं डॉक्टर जयप्रकाश पाली हूँ, भोपाल में चिकित्सक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं इस वक्त की परिस्थितियों में कोरोना के लेकर यही कुछ संक्षिप्त में बातें करना चाहूँगा। और तीन बहुत मोटी मोटी चीज़ें हैं, एक भय है, एक भ्रम है, एक भ्रांति है। तीसरा कई बार क्या होता है कि इतनी सारी जानकारियाँ आती हैं कि कौन सी सही, कौन सी गलत, कौन सी लें, कौन सी माने, कौन सी नहीं माने, कब माने और कैसे माने, ये बहुत सारी भ्रांतियाँ अभी इस वक्त हर घर में, हर परिवार में, हर दरवाजे में, हर दफ्तर पर यही बातें हो रही हैं। यदि हम इस वक्त कोरोना से बचने की बात करें तो शासन के लेवल पर तो बहुत प्रयास चल रहे हैं और उन प्रयासों के लिए मैं शासन को साधुवाद देना चाहता हूँ। लेकिन समाज के लेवल पर, परिवार के लेवल पर, एक इकाई के रूप में, हम लोगों के लेवल पर हम क्या करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शासन अकेला इस लड़ाई को लड़ने में हम लोगों के सहयोग के बगैर अपर्याप्त। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि हमें कोरोना के साथ जीना है। ये सही है कि अब हमें आगे आने वाले वर्षों में कोरोना के साथ जीना है, लेकिन कोरोना के साथ जीने के लिए हर्ड इम्यूनिटी, मतलब समाज की कोरोना के प्रति एक इम्यूनिटी डेवलप होना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी तभी डेवलप होगी जब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कोरोना के संपर्क में आएगा और उसके बाद उसके शरीर की उस बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित होगी। परंतु इसका ये भी मतलब नहीं कि हम जबरन जाकर बीमारी को सर दें और बीमारी सर पर लें। परंतु मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि हम बिना डरे हमारे जीवन को सुरक्षा और सावधानी के बीच में रहते हुए चलें। पहली चीज़ हम ये देखें कि हमारी उम्र क्या है। यदि हम गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हमें यदि कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बीमारी है, या हम किसी ऐसे ड्रग्स पर हैं जिसमें स्टेरॉइड्स हैं, तो हमें इस बीमारी से बचने के लिए घर के अंदर ही रहना चाहिए। दूसरा, यदि हम जवान हैं, यदि हम युवा हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अब हमारे काम के को फोकस करना चाहिए। सीमित आउटडोर एक्टिविटीज़, सुरक्षित आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी अब शामिल होना चाहिए। शासन जितनी छूट दे उस छूट का सदुपयोग करते हुए एक सीमित दायरे में जो कुछ हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। लेकिन साथ में हमारे खान पान और हमारे दिनचर्या में भी हमें बहुत सारे परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर यदि हम घर की बात करें तो घरेलू चीज़ों में लहसुन बहुत प्रभावी और बहुत उपयोगी है। अदरक निश्चित तौर पर बहुत प्रभावी, बहुत उपयोगी है, लेकिन अदरक को यदि हम कच्चा खाने की आदत डालें धोकर, तो मैं समझता हूँ कि वो और ज़्यादा लाभकारी होगी। लहसुन खाएं, अदरक खाएं, दालचीनी खाएं, सौंठ लें। उसके अलावा यदि हम कुछ और चीज़ें भी लेने की कोशिश करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं गर्म पानी लें, कुनकुना पानी लें, और ठंडी चीज़ों से बचें, ठंडे वातावरण से बचें, एयर कंडीशन का बहुत उपयोग ना करें। कोशिश करें कम से कम हम फ्रिज में का पानी कम से कम पिए, हम कूलर में कम से कम रहें, जितना हम सहन कर सकते हैं उतनी सहन शक्ति के मुताबिक हमको कहीं ना कहीं इन ठंडे चीज़ों से और या ठंडे स्थानों से भी बचना चाहिए। अब वो मामला ये आता है कि ऐसी परिस्थिति में हमारे खान पान में और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। प्याज निश्चित तौर पर हमको कहीं ना कहीं लाभ देगा। विटामिन सी जिसमें खट्टी चीज़ें हैं, संतरे इस वक्त बहुत उपयोगी हैं। इसके अलावा यदि मौसम्बी देखें तो मौसम्बी भी विटामिन सी की वजह से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ये बहुत उपयोगी है। इसके अलावा प्रोटीन वाली चीज़ें, प्रोटीन युक्त चीज़ें हम ज़्यादा लें। और सामान्य तौर पर कई बार क्या होता है कि भोजन के नाम पर लोग गरिष्ठ भोजन खाते हैं, नहीं, सामान्य भोजन लें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें ज़्यादा हो, लेकिन उसमें वसा या चर्बी की मात्रा सीमित हो और उतनी ही हो जितनी शरीर में वजन बढ़ाने के लिए प्रभावी या वजन बढ़ाने का कारण ना बने। ये बहुत छोटी 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 चीज़ों के साथ हमारे आत्मबल को हम ऊंचा रखें। आत्मबल को ऊंचा रखने का ये मतलब नहीं कि हम अति उत्साह में बहुत ज़्यादा आत्मदम्भी होकर ये सोचें कि हमें कुछ नहीं हो सकता। हमें आत्मबल को ऊंचा रखें, हमारे आत्मबल को ऊंचा रखने का ये मतलब है कि हम इस वक्त कोरोना के बारे में जितना जानने लगे हैं, जितना समझने लगे, जितना पढ़ चुके हैं, जितना सुन चुके हैं, उनमें से अच्छी अच्छी चीज़ों का पालन करें, निराश ना हो, हताश ना हो। और यदि हम समय पर उठना बैठना सोना करेंगे तो वो भी हमारे लिए ठीक रहेगा। और हम यदि घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़े घर के बाहर ही उतार कर हमारे हाथ पैर को ठीक से धोएं, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, और जब कभी संभव हो बिना कारण भी यदि हम साबुन से हाथ धोते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई बुराई नहीं है। और काम करने वाले लोग जो खासकर रिस्की एरिया में काम करते हैं वो चेहरे पर यदि फेस स्क्रीन पहनते हैं और मास्क के साथ साथ बाकी सुरक्षा के अन्य उपकरण भी पहनते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी के लिए वो भी बहुत उपयोगी साबित होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ी चीज़ है,
मास्क बहुत बड़ी चीज़ है, सैनिटाइजर बहुत बड़ी चीज़ है। अब साबुन की तरफ भी साबुन का उपयोग करना बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। बिना कारण दिन में यदि 5 बार साबुन से हाथ धोते हैं तो कोई बुराई नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ है, मोटे तौर पर हमें इस बीमारी से ज़्यादा रक्षा सुरक्षा देने में कामयाब होगी। हम कहीं ना कहीं अब अपने शरीर को भी देखें, अपने व्यापार को भी देखें, शरीर और व्यापार के बीच में हमारे स्वास्थ्य का सामंजस्य रहे, उन सब गतिविधियों को, सीमित गतिविधियों को सुरक्षित गतिविधियों में हम अब देश प्रदेश के साथ साथ खुद का, खुद के परिवार का, खुद के व्यापार का और खुद की अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम सोचना ही पड़ेगा। आज हम ऐसे मोड़ पर हैं कि हम बहुत लंबे समय तक यदि अकारण घर में रहे, डर के कारण घर में रहे, तो हमारा आने वाला भविष्य, हमारा, हमारे प्रदेश का और देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।